अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करूँगा बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट स्टाइस के बारे में। जैसा कि अभी आप देख लें, मेरे स्टाइस के फ्लावर जो हैं ब्लूम करना स्टार्ट हो चुके हैं। स्टाइस जो है बेसिकली लेट स्प्रिंग या कह लें अर्ली समर में ब्लूम करता है। जैसे कि अभी गर्मियां स्टार्ट हो ही गई हैं ऑलमोस्ट हमारे एरिया में, तो अब जाके इनकी ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है। तो ये मुख्तलिफ रंगों में आते हैं, पिंक में आते हैं, येलो कलर में आते हैं, पर्पल में, ब्लू में, काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, वाइट में। तो ये जो मैंने स्टाइस ग्रो किए थे, ये मैंने ग्रो किए थे सीड से, तकरीबन अक्टूबर में मैंने लगाए थे इनको सीड से। और जर्मिनेशन इनकी हो गई थी, हफ्ते के अंदर अंदर जर्मिनेशन हो गई थी, और उसके बाद ग्रोथ करते रहे। और सर्दियों में डोरमेंसी में हो जाते हैं एक तरह से, मतलब बहुत स्लो ग्रोथ हो जाती है। अक्टूबर से लेके नवंबर तक तो सही ग्रो कर रहे थे। जून दिसंबर आया, दिसंबर जनवरी फरवरी, स्पेशली दिसंबर और जनवरी में बहुत डोरमेंसी में जिस तरह चले जाते हैं, तो बहुत स्लो ग्रोथ हो गई। जैसे स्प्रिंग आई तो इनकी ग्रोथ भी तेज़ हुई, और अब जाके इनमें से ये इस तरीके से स्टॉक निकलता है और उसके ऊपर इस तरह से पेपरी से पेपर, जिस तरह पेपर होता है ना, उस तरीके से इसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी टाइम तक खिले रहते हैं, क्योंकि इनकी इस तरह की जिस तरह रोज़ की पेटल्स होती हैं, उस तरह की पेटल्स तो होती नहीं है। जिस तरह बोगनवेलिया होता है, उस टाइप की इसकी पेटल्स होती हैं। ये देख लें आप कितना खूबसूरत कलर है, पर्पल सा, लाइलैक सा कलर है, और येलो में भी हैं, और उसके अलावा ये सारे येलो में हैं, और भी कुछ लगे हैं मतलब जगहों पे, वो वाइट कलर में भी कुछ निकल रहे हैं। तो बहुत प्यारे लगते हैं और काफ़ी टाइम तक ये खिले रहते हैं। और इनके अब मैं सीड्स भी कलेक्ट करूँगा जब इनका सीज़न ओवर होगा, जब ये फ्लावरिंग कंप्लीट होगी, तो फिर मैं इनके सीड्स भी कलेक्ट करके आपको बताऊँगा किस तरीके से सीड्स को कलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रो किए हैं स्टाइस के प्लांट्स, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाते हैं, और लेकिन है कि बात है कि जितनी बड़ी जगह मिलती है उतने ज़्यादा इनके स्टॉक्स ज़्यादा निकलते हैं और प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है। छोटे पॉट में निकलते हैं लेकिन उसकी ग्रोथ जो है लिमिटेड रहती है, क्योंकि रूट स्पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, न्यूट्रिशन भी उस तरीके से नहीं मिल पाती, लेकिन ग्रो कर जाते हैं, ये बात है। छोटे से पॉट में थोड़ी सी मिट्टी में भी मैंने लगाए हैं, तो ये देख लें आप उसके रिज़ल्ट, छोटे छोटे पॉट्स मैंने लगाए हैं। तो इनको फुल सन चाहिए होता है, कम से कम भी 5 से 6 घंटे की इनको धूप आपने देनी है डायरेक्ट। अगर धूप नहीं देते, कम धूप होती है, तो लीव्स ग्रो करते रहेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन फ्लावर्स नहीं आएंगे, या आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपने इसको फुल सन में ही रखना है। तो ये देख लें, ये इस तरीके से छोटे से पॉट में मैंने लगाए हैं, और इस तरह बेस में से ये इनका फ्लावर स्टॉक निकलता है, और अभी भी काफ़ी निकल रही हैं, अभी अभी स्टार्ट हुए हैं इसकी फ्लावरिंग। तो ये इस तरह बेस में से स्टॉक निकलती है और साथ साथ इनके ऊपर फ्लावरिंग होती है। तो इनको आप ऐसा कट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, बुकेज बना सकते हैं, वेज वगैरह रख सकते हैं घर के अंदर, उसमें आप इसको लगा सकते हैं, फ्लोरल अरेंजमेंट कोई करते हैं उसमें लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं, काफ़ी टाइम तक ये चलते हैं, जल्दी विल्ट नहीं होते, जल्दी मुरझाते नहीं हैं। और दूसरा एक चीज़ ये चीज़ करनी है कि जब फ्लावरिंग इनकी स्टार्ट हो जाए, पानी आपने रेगुलर देना है। प्लांट तो नहीं मरता, प्लांट तो इटसेल्फ जो है थोड़ा सा ड्राउट टॉलरेंट ही होता है, लेकिन ये होता है कि फ्लावर जो हैं इसके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं अगर आप अंडर वाटरिंग पे रखते हैं इस प्लांट को। तो आपने पानी का ध्यान रखना है, स्पेशली जब फ्लावरिंग का टाइम है। फ्लावरिंग अभी नहीं है अगर, तो फिर एक दो दिन मिस भी हो जाए पानी, या थोड़ा सा लेट भी हो जाए आप पानी देने में, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब फ्लावरिंग हो रही है उस टाइम पर आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है कि पानी डिले नहीं करना। उस तरह ये होगा, फूल जो हैं झड़ना शुरू हो जाते हैं अगर एक दो दिन आप पानी नहीं देते, या स्ट्रेस में चला जाता है प्लांट, तो वरता नहीं है लेकिन फ्लावरिंग आपकी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत इजी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, रफ़ एंड टफ प्लांट है। तो बाकी जगहों पे कुछ लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें कि मैंने मिक्स फूल लगा दी थे, कॉसमोस के भी, मैरीगोल्ड्स के भी, साथ में बीच में इसकी सीडलिंग भी लगा दी थी। तो ये देख लें, ये वाइट कलर में निकल रहा है, अभी पूरी तरह ब्लूम हुआ नहीं है इसकी, जस्ट वो पेटल्स नज़र आना शुरू हुई हैं। तो ये कोर रोज़ का प्लांट था, क्लाइंबर है, उसके साथ मैंने लगा दी थी इसकी एक दो सीडलिंग्स। देख लें, इस पर भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है, और जितनी ज़्यादा इनको स्पेस मिल रही है, आप देख लें
आपने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा, उतनी ही इसकी बड़ी स्टॉक्स हैं और उतना ही बुशी प्लांट है। तो ये एक और मेरी बड़ी सी कैरी थी, उसमें मैंने लगाया, और ये देख लें कितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इसको स्पेस ज़्यादा मिल रही है और सॉइल अच्छी है। यहाँ पे नीचे बेस में बड़ी जगह है, तो उसके हिसाब से प्लांट भी कितना बुशी है। तो ये देख लें, मेरा कुछ ग्लैडियोलस भी खिलना शुरू हो गया है, बहुत खूबसूरत। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।